दिन पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाने वाली मोहलत खत्म हो गई। जमान पार्क और अतराफ की तमाम सड़कें बदस्तूर ब्लॉक, पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान करते हुए पुलिस को शरपसंदों के खिलाफ फ्री हैंड देने का ऐलान कर रखा है। आपको बताते चले कि ऐलान किया गया है, मजीद तफसीलात जानते हैं। लाहौर से डेप्टी ब्यूरो चीफ नईम खान हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नईम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है और पुलिस ने कोई अगला लाहे अमल भी मुरतब किया है, क्या अपडेट है? गिरफ्तार अफराद हैं, उनमें से 8 अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया है। 40 के करीब ये शख्सन थे जिनको गिरफ्तार किया जाना था, क्योंकि गुज़िश्ता रात से ही नाकाबंदी कर दी गई थी और तमाम आने और जाने वाले लोगों को चेक किया जा रहा था। लिस्टें इनके पास थी कि ये लोग अंदर मौजूद हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए रात को ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन किसी वजूहात के बिना पर IG ने ये ऑपरेशन को रोक दिया। लेकिन अभी तक इसका जो ऑपरेशन है वो नहीं किया जा सका, नाकाबंदी फुल की हुई है। हर फर्द को अंदर जाने वाले और आने वाले को जमान पार्क में चेक किया जा रहा है। इसके तकरीबन 3 से 4 रास्ते हैं जो लगते हैं, एक माल रोड से है, एक ठंडी सड़क है जो MM माल और दूसरी रोड जाते हैं बैक साइड से, इन कनाल रोड से, इन तमाम रास्तों के ऊपर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। किसी भी वक्त आला हुकाम की जानब से इस ऑपरेशन को शुरू किया जा सकता है। पुलिस का ये कहना है कि 8 अफराद जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनकी शनाख्त परेड करवाई गई है। तो ये लोग मतलूब थे, इन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और IG पंजाब के हुक्म के बाद इसका ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। जी जी आपका बहुत शुक्रिया।